अब ऐसा अगर कोई ऐसा इंजेक्शन अगर लग जाता तो जिससे मेरी मौत हो जाए, कोई डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन अगर लगाता मुझे जिससे मेरी मौत हो, मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, मुझे काफी मुश्किल हो रही है। मुझे अब है अब लोगों से ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर अगर किसी का इलाज हो जाए, सांस अगर किसी की बच जाए ठीक है, नहीं तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है अगर दुआ मेरे हक में अगर करेंगे, मेरी मौत अगर हो जाए तो वो अच्छी बात है। खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ हमारे पास है ही नहीं, लोगों का कर्जा काफी देना है, लोगों ने बलादरी में काफी मदद की है तो कितना कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपने शुरू में वीडियो की छोटी सी क्लिप देखी है। नाज़रीन, ये शख्स डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना ममनकोट का रहने वाला है। नाज़रीन, ये दुआ की इल्तिजा करता है कि आप तमाम मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मौत आ जाए। नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि इसके लिए मौत की दुआ नहीं बल्कि सेहतियाबी की दुआ करनी है। दुआ के साथ साथ नाज़रीन माली इमदाद की इसको ज़रूरत है। आप तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि हम इस वीडियो में इसका अकाउंट नंबर भी मेंशन करेंगे और आप उस अकाउंट में अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपकी शेयर की वजह से कोई ऐसा बंदा है होगा जो एक ही इसकी इमदाद कर सकता है। इसलिए नाज़रीन, आप भी इमदाद करें, उसका मान के आप वीडियो को शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा। आप इनका इलाज कैसे करवा रहे हैं? तो सर, एक महीना पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का भी, तो उसकी भी एक बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, वो उनकी सर्जरी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी भी। ये उनके उनके बेटे हैं, बेटे की तस्वीरें देखिए, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये सिर्फ रोते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग इनकी अगर थोड़ी सी मदद करेंगे तो ये अपनी जान को बचा सकेंगे। कमाने वाला है नहीं कोई बचा, वो थे वो एक्सीडेंट हो गया तो घर की कंडीशन भी ख़राब है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन अगर लगाता मुझे जिससे मेरी मौत हो जाए, आप तो यही कहता हूँ कि मेरी मौत भी नहीं होती है। आवाम से मेरा ये रिक्वेस्ट है, या मेरी मदद करें या मेरे हक में दुआ करें कि मेरी मौत होनी चाहिए। देखिए एक पेशेंट किस प्रकार से अपनी मौत की दुआ कर रहा है। अब आप सबके हाथों में है कि क्या ये अपनी मौत मांगेंगे या फिर आप थोड़ी सी इनकी मदद ज़रूर करेंगे।